सॉफ्ट स्पंजी इडली ढोकला बहुत ही टेस्टी। नमस्कार, आज सरिता किचन में हम बनाएंगे इडली ढोकला। इसके लिए हम 1.5 चम्मच, 1.5 कटोरी बेसन लेंगे और इसे हम छान लेंगे। क्योंकि बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ेंगी। देखिए, हमारा बेसन छान के हो गया है। अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और चुटकी भर, एकदम चुटकी भर हम हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा ढोकला है जो रेड रेड होने लगेगा। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। एक चम्मच शक्कर और एक नींबू हम गार के इसका रस डालेंगे और इसे अब उसी जिससे हमने बेसन लिया था उसी कप से हमने पानी 1 कप लिया है। अब इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस बैटर को तैयार करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये ढोकला मानो, यकीन मानो, बहुत ही टेस्टी और बहुत हल्का फुल्का बनता है, बहुत स्पंजी बनता है। आप इस तरह से ढोकला बनाइए, आपका कभी भी ढोकला ख़राब नहीं होगा। देखिए, इस तरह से हम अच्छे से अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। इसको फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो गया। बैटर ऐसे हम वो उछाड़े तो उसमें चम्मच में थोड़ा सा हल्का हल्का लगना चाहिए। देखिए, हमने 1 कप पानी लिया था, उसका हमें 3/4 कप पानी लगा है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रखते हैं, तब से आगे का हम लोग इडली वाले में हम तेल ऐसे लगाएंगे इडली के बर्तन में। अच्छी तरह से तेल हम इसमें लगाएंगे। अब हम अपना बैटर लेंगे। देखिए, इतना हमारा बैटर ऐसे इस तरह से होना चाहिए। अब इसमें हम 1 कीनो का पाउच डालेंगे, फ्लेवर वाला नहीं, सादा वाला डाल के हम इसे एक ही डायरेक्शन में हिलाएंगे, चलाएंगे। कीनो डालते ही हमारा बैटर एकदम डबल हो जाएगा। आपको मेरी रेसिपी ये ढोकले की पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो गया। अब हम इडली का बर्तन लेंगे, इसमें हम 1-1 चम्मच बैटर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत फूलता है, ये ढोकला हमारा बहुत फूलता है हमारा। इस तरह से हम 1-1 चम्मच डालेंगे बैटर को। दूसरा साँचा हम लिए हैं। हमारे 1.5 कप बेसन से हमारे 14 इडली तैयार होते हैं। चलो, हम कढ़ाई में
पानी रखा है उबलने के लिए, उबल गया है। अब इसमें हम अपना इडली का सांचा रखेंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक हम बिना खोले ऐसे ढक के पकाएंगे। देखिए हमारा इडली तैयार हो गया। हमने टूथपिक डाला और देखा तो एकदम क्लीन निकला है। बंद करेंगे गैस को। देखिए इस तरह से हमारा क्लीन एकदम टूथपिक निकला है। देखिए हमारा इडली ढोकला कितना मस्त तैयार हुआ है। ये अपने आप ही ऐसे हाथ से निकालोगे तो भी निकल जाएगा। बहुत हल्का फुल्का, बहुत स्पंजी बना है। तो तड़का के लिए एक कढ़ाई लेते हैं छोटा। देखिए हमारा इडली हाथ से भी दबाएंगे तो भी अपने आप शेप ले ले रहा है। तड़का कढ़ाई में हम एक चम्मच राई डालेंगे और 4 से 5 हरी मिर्च लंबा लंबा कटा हुआ, इसे अच्छे से तड़काएंगे हम। हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने ढोकले पे फैला लेंगे। देखिए हमारा ढोकला। अब इसे हर ढोकले पे हमें तड़के को डालना है। इस तरह से, और ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ती हम डालेंगे। देखिए हमारा ढोकला इडली खाने के लिए एकदम रेडी है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा ढोकला इडली। आप भी ट्राई कीजिएगा ढोकला इडली। थैंक यू।